2021 से अक्षय कुमार लगातार कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन इस बीच फिल्म OMG 2 को छोड़कर उनकी बाकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई जादू नहीं चला पाई, क्योंकि जिस तरह का कैरिश्मा अक्षय कुमार का है, फैंस उनकी फिल्म आने से पहले ही मान लेते हैं कि ये फिल्म हिट होगी। हालांकि पिछली कई फिल्मों के मामले में ऐसा नहीं हुआ। अब जो अक्षय की फिल्म 12 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, वो आपकी उम्मीदों से कहीं बेहतर होगी। जी हां, अक्षय ने फिल्म सरफिरा से बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की है। वह एक शानदार और कमाल की फिल्म लेकर दर्शकों के बीच आए हैं। वैसे हर बार की तरह जब आप सरफिरा देखने जाओगे तो पक्का आपके जहन में ये सवाल होगा कि कहीं हर बार की तरह अक्षय कुमार इस बार भी निराश तो नहीं करेंगे। आपके मन में भी सवाल है कि क्या करें, फिल्म कैसी है, कैसी होगी, थिएटर में देखने लायक है या नहीं, कहीं इस बार भी कुछ वैसा ना हो जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था लेकिन अक्षय कुमार की फिल्म उतनी अच्छी नहीं निकली, वगैरह वगैरह। आपके भी सभी डाउट्स हम क्लियर करते हैं, जानते हैं कि ओवरऑल ये फिल्म कैसी थी। सबसे पहले तो ये बता दें कि फिल्म को लेकर नेगेटिव थॉट्स तो बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि फिल्म आपको निराश तो बिल्कुल नहीं करेगी। फिल्म ने शुरुआत से जो रफ्तार पकड़ी वह क्लाइमेक्स तक जारी रही। ये फिल्म एक परफेक्ट एंटरटेनमेंट कॉम्बो है। फिल्म आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। ये तमिल फिल्म सोराराई पोट्रू की हिंदी रीमेक है। फिल्म इमोशन से भरपूर है और अक्षय ने उन इमोशंस के साथ इतना जबरदस्त अभिनय किया है कि ये देखने लायक है। तो चलिए फटाफट से शॉर्ट में बिना स्पॉइलर के फिल्म की कहानी जानते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपनी खुद की एयरलाइंस खोलना चाहते हैं, जिसके जरिए वह आम लोगों को आधे दामों पर हवाई टिकट उपलब्ध करा सके, और उसकी भूमिका में आपको अक्षय कुमार नजर आएंगे। इस फिल्म की कहानी कैप्टन गोपीनाथ की किताब सिंपल फ्लाई और डेकन ओडिसी पर आधारित है। फिल्म में अक्षय के साथ आपको राधिका मदान मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आएगी, जिन्होंने इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और यह उनके करियर की बेस्ट फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में अक्षय कुमार का नाम वीर है, जो अपनी एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर एक ऐसे मिशन पर निकलता है जिसमें जीत की संभावना शायद नामुमकिन है। वीर अपनी खुद की एयरलाइंस खोलना चाहता है, लेकिन जिसके पास भी वो अपना प्रस्ताव लेकर जाता है उसे वहां से निराशा ही मिलती है। कोई भी बिजनेसमैन उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। वीर हार नहीं मानता और इसमें उसकी पत्नी रानिका, जो कि राधिका मदान निभा रही है, बहुत मदद करती है। रानी हर मुश्किल में उसकी साथी बनी रहती है। रानी की अपनी बेकरी की दुकान है। वीर फिर वही एयरलाइंस के मालिकों से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे समय देने से मना कर देता है। फिर एक बार उसकी मुलाकात परेश गोस्वामी का किरदार यहाँ पर परेश रावल निभा रहे हैं, उनसे होती है, जो एक एयरलाइंस के मालिक हैं। परेश से मुलाकात के बाद वीर की जिंदगी कैसे बदलती है, ये जानने के लिए आपको खुद सिनेमाघर जाकर पूरी फिल्म देखनी होगी, जहां आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि वीर अपने मकसद में कामयाब हुआ या नहीं। सरफिरा कई मौकों पर तीखी राजनीतिक और सामाजिक टिप्पणी करने की कोशिश करती है। मसलन फिल्म में एक मौके पर वीर महात्रे का किरदार कहता है कि वो लो कॉस्ट एयरलाइन इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वो भारत में फैले क्लास सिस्टम की कमर तोड़ना चाहता है, क्योंकि अमीर लोग नहीं चाहते कि गरीब या मिडिल क्लास वाले लोग उनके बगल में बैठे। उसकी एयरलाइन उन लोगों को ये मौका देगी, जबकि वीर के लिए एयरलाइन बनाने की वजह सोशल से ज़्यादा पर्सनल है। अब फिल्म में एक्टर्स की एक्टिंग की बात करते हैं। फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस इकलौती चीज़ है जो शायद आपको ईमानदार लगती है। अक्षय ने वीर महात्रे के किरदार में सब कुछ झोंकने की कोशिश की है। वो अपने काम में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं, मानो उनके बारे में जो कुछ भी कहा था या लिखा गया उन सब को जवाब देना चाहते हों, खुद को फिर से साबित करना चाहते हों। इस फिल्म में वो अपने भीतर के एक्टर और स्टार में से एक्टर को चुनते हैं और वो चीज़ काम करती है, मगर असल फायर ब्रांड काम है राधिका मदान का। उन्होंने वीर की पत्नी रानी का रोल किया है, जो रानी बेकरी चलाती है, अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीती है, उन्हीं शर्तों पर शादी करती है। इस तरह के रोल्स में हमने उन्हें पहले भी देखा है, मगर इस फिल्म में वो अपना काम एंजॉय करती दिखती हैं।
परेश रावल ने एयरलाइंस टाइकून परेश गोस्वामी का रोल निभाया है। परेश किसी भी हालत में वीर को सफल होते नहीं देखना चाहता, वो पूरी शिद्दत से उसका काम बिगाड़ना चाहता है और कई मौकों पर सफल भी होता है। परेश और अक्षय के कॉम्बिनेशन सीन्स फिल्म में जान डालते हैं। फिल्म के निर्देशन की बात करें तो सुधा कोंगरा ने ये कमाल का निर्देशन किया है। उनके निर्देशन में बनी इस फिल्म को आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। इमोशन के अलावा भी इस फिल्म में और भी बहुत कुछ है जो आपका मनोबल बढ़ाएगा। वो कहते हैं ना, सिनेमा कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जरिया है और अगर सरफिरा जैसी फिल्म बनने लगेगी तो लोगों तक बहुत अच्छा संदेश पहुंचेगा। फिल्म में जीवी प्रकाश कुमार, तनिष्क बागची और सुहित अभ्यंकर के संगीत भी काफी अच्छे हैं। सरफिरा को देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्लीन स्लेट के साथ सिनेमा घरों में जाएं। फिल्म आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आप ये फिल्म पहले से देख चुके हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको सरफिरा कैसी लगी।